नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही सही मिलती है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको हमने पहले वीडियो में बताया है कि केंद्रीय विद्यालय का जो प्रोसेस है वो उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को अपडेट करना स्टार्ट कर दिया है। तीन मार्च को उन्होंने वेबसाइट में कुछ अपडेट किया था, जिसके ज़रिए उसी टाइम पर हमने कुछ स्क्रीन शेयर कर लिया था और इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड 2021-22 सेशन के लिए, मतलब इसी सेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। दोस्तों, थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से आवाज़ में डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर करिएगा। तो चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। हाँ, तो दोस्तों, हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर हम केंद्रीय विद्यालय की एडमिशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो गूगल पर सर्च करेंगे। तो जैसे ही हम गूगल पर सर्च करेंगे, सर्च रिजल्ट में वो वेबसाइट आ जाएगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पर kvsonlineadmission.kvs.gov.in ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल केंद्रीय विद्यालय संगठन ये खुल गया। ये आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है एडमिशन की। तो दोस्तों, यहाँ पर एक मैसेज लिख कर आ रहा है, आप देख रहे हैं, दिस वेबसाइट इज़ ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पज़, डाटा विल बी डिलीटेड वंस द टेस्टिंग इज डन। दोस्तों, ये 3 मार्च का स्क्रीन शेयर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ देर के लिए जो वेबसाइट थी वो अपडेट कर रहे थे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए 2021-22, मतलब करेंट सेशन के लिए। तो ये अभी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए था, इसके बाद से वेबसाइट में इरर बता रहा है। तो दोस्तों, ये सिर्फ अभी बैकग्राउंड में अपडेट हो रही है केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल द्वारा। तो बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने इस पर रजिस्ट्रेशन भी कर लिया था, फॉर्म भी सबमिट कर लिया था, लेकिन आपको फॉर्म फिर से सबमिट करना होगा क्योंकि सारा डेटा डिलीट हो जाएगा इसके बाद। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र 21-22, मतलब इसी सेशन के लिए ये जो पोर्टल है वो डिज़ाइन किया जा रहा है। और आगे मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो इसी सेशन के लिए देने जा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। करंट सेशन में 2021-22 में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनके बारे में है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लैंग्वेज को हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके पास एक वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए। जैसे कि इसके पहले भी वीडियोज़ में हम बता चुके हैं, वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, जिस पर SMS जाएगा और फॉर्म रजिस्ट्रेशन के टाइम और इवन की पूरे एडमिशन प्रोसेस में आपका यही फ़ोन नंबर यूज होगा। उसके बाद एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए फॉर्म भरते टाइम। ये सब जो मैं अभी बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपको फॉर्म भरने से पहले ही तैयार रखना है। और उसके बाद दोस्तों, अपने बच्चे की एक रीसेंट और क्लियर फोटोग्राफ, जिसमें चेहरा वगैरह धुंधला ना हो, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे, 256 KB से कम की साइज़ का होना चाहिए और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए जो आपके बच्चे की फ़ोटो हो। उसके बाद दोस्तों, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्कैन करके रखिए, ये आपको अपलोड करना कंपलसरी है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसी टाइम पर आपको ये जन्म प्रमाण पत्र, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट, ये आपको अपलोड करना ज़रूरी है, ये मैंडेटरी होता है, इसको आपको करना ही होता है। तो इसको आप स्कैन करके रखें, अच्छे से स्कैन करें, धुंधली फ़ोटो ना हो, वरना आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, इसका जो फाइल फॉर्मेट है वो JPEG या फिर PDF फॉर्मेट हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी रहेगा तो चलेगा। तो बेटर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप JPEG फाइल बना के रखें और उसको डॉक्यूमेंट अपलोडिंग सेक्शन में अपलोड करें। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, सरकार द्वारा जारी EWS BPL प्रमाण पत्र। दोस्तों, अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से हैं और आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको EWS का भी सर्टिफिकेट लगाना होगा और इसके बाद आपको ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंट्स ये भी भरना होता है। उसके बाद दोस्तों, हम पहुँचते हैं अब सिंगल गर्ल चाइल्ड पे। सिंगल गर्ल चाइल्ड की कैटेगरी में दोस्तों, आपको एक 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट बनवाना होता है। इस एफिडेविट का फॉर्मेट हम पहले एक वीडियो में बता चुके हैं, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, आप वहाँ पर जाकर उसका फॉर्मेट देख सकते हैं कि किस तरीके से वह दिखता है। और इस एफिडेविट को आप अपने आसपास के किसी भी वकील से कहकर बनवा सकते हैं, नोटरी द्वारा इसको जो है वेरीफाई किया जाता है। और दोस्तों, सिंगल गर्ल चाइल्ड की कैटेगरी में ट्विन गर्ल्स और ट्रिपलेट गर्ल्स भी होती हैं, इनके लिए भी आपको वही एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। अगर ट्विन गर्ल्स हैं तो उनके भी केस में आपको यही सिंगल गर्ल चाइल्ड की कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वही एफिडेविट बनवानी पड़ेगी, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए।
और उसके बाद उनकी एप्लीकेशन के साथ आपको अटैच करना होता है। फिर दोस्तों, अगर आपका बच्चा दिव्यांग श्रेणी में है, वैसे दिव्यांग होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, भगवान कभी भी किसी के साथ ऐसा ना करें, लेकिन अगर दिव्यांग की कैटेगरी में है तो आपको इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर देना होता है दोस्तों, आपको हॉस्पिटल से बनवा कर देना होगा। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों, एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑनलाइन फॉर्म भरने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप जल्द से जल्द बनवा लें। और दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट में जो बच्चे की एज होनी चाहिए वो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पाँच साल से कम नहीं होनी चाहिए और 7 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो बच्चे की एज है वो 5 से 7 साल के बीच में होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इस प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं कहाँ से, क्षेत्रीय परिषद, नगर पालिका, नगर निगम से, ग्राम पंचायत से, सैनिक अस्पताल और रक्षा कर्मियों के सेवा अभिलेखों की जन्मतिथि संबंधी उद्धरणों के हिसाब से इसको आप बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसको ओरिजिनल बनवा के रखिए और इसका स्कैन कॉपी भी रखिए। अब दोस्तों, अगर आप इस कैटेगरी में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो जैसे कि बच्चे के माता पिता दादा दादी या नाना नानी KVS के रिटायर्ड या फिर वर्किंग एम्प्लॉई हैं, वहाँ पर कर्मचारी हैं, तो उनका जो है सर्विस सर्टिफिकेट लगेगा और उनका बच्चे के साथ क्या रिलेशन है उसका भी प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आप हाँ तो दोस्तों, अपने अगला डॉक्यूमेंट पे जाते हैं हम। इसमें आपको इनकम का डॉक्यूमेंट देना है। अगर आप कम आय वर्ग में नहीं हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS में आते हैं तो फिर इसका डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। गरीबी रेखा से नीचे BPL धारक हैं तो आपको BPL का सर्टिफिकेट देना होता है कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये सब डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे कि EWS में 10% का रिजर्वेशन मिलता है, BPL वालों को भी बहुत सारी सुविधाएँ मिलती हैं। तो इस तरीके से अगर आप इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए। उसके बाद में दोस्तों, हम देखेंगे कि ये जो अगर RTE के तहत आप अगर अप्लाई करते हैं तो RTE के तहत केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए EWS का सर्टिफिकेट या फिर BPL बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से नीचे का जो सर्टिफिकेट है ये आपको प्रोड्यूस करना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि EWS और BPL बिलो पॉवर्टी लाइन ये डिसएडवांटेज कैटेगरी डिफाइंड है RTE एडमिशन के तहत केंद्रीय विद्यालय में भी। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आप RTE के तहत आवेदन करेंगे तो आपके पास EWS या फिर BPL का प्रमाण होना चाहिए अगर आप ये कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो, अन्यथा अगर आप ये नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। अब दोस्तों, हम आते हैं कास्ट कैटेगरी पे। कास्ट कैटेगरी में आपको बता दूँ कि SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर ये लोग आते हैं। तो अगर ये लोग RTE के तहत आवेदन करते हैं तो इनको भी डिसएडवांटेज कैटेगरी में माना जाता है, और जनरल टाइप का जो आवेदन करते हैं तो भी इनको जो है इनका जो नॉर्मल रिजर्वेशन है जैसे कि SC ST या फिर OBC को 27% रिजर्वेशन मिलता है वो इनको मिलेगा। तो इस तरीके से आप इनका भी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा कर रखिए। अब दोस्तों, यहाँ पर एक आपको घर से स्कूल तक की दूरी का भी सेल्फ डिक्लेरेशन प्रमाण पत्र देना होता है, तो ये जो RTE के तहत आवेदन करते हैं उनको देना होता है। तो इसके लिए दोस्तों, अगर आप शहरी क्षेत्र से मतलब अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो 5 किलोमीटर या फिर इससे कम में आपके स्कूल, आप जिस केंद्रीय विद्यालय के लिए आवेदन कर रहे हैं उसकी दूरी आपके घर से 5 किलोमीटर या फिर उससे कम होनी चाहिए। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय है, और अगर आप RTE के तहत आवेदन कर रहे हैं तो घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वो 8 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको एक डिक्लेरेशन भरकर देना होता है। उसका भी फॉर्मेट अगर आपको देखना है तो ऑलरेडी उस पर हम वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक है, आप वहाँ लिंक पर क्लिक करके जाएं और डॉक्यूमेंट के बारे में और अधिक जानें, और फॉर्मेट भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, इनको जो है प्रायोरिटीज़ मिलती है। तो प्रायोरिटीज़ क्या होती है और कैटेगरी वाइज कैसे प्रायोरिटी मिलती है, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है दोस्तों, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और कैटेगरी वाइज जो प्रायोरिटी मिलती है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जैसे कि अगर किसी बच्चे के माता पिता दादा दादी या नाना नानी केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हैं या फिर
रिटायर्ड हैं तो उनको भी प्राथमिकता मिलती है। और दोस्तों दो तरह के केंद्रीय विद्यालय होते हैं, एक आपका सिविल सेक्टर का और एक आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग सेक्टर का। तो इन सब में जो प्रायोरिटीज़ लगती हैं उन पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं दोस्तों। आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको कैटेगरीज या प्रायोरिटीज़ समझनी है तो आप वहाँ पर जाकर समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, जो PSU या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के अंतर्गत आते हैं उनमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट दिखाने होंगे, जैसे कि सर्विस सर्टिफिकेट, नंबर ऑफ ट्रांसफ़र, इस तरीके का जो है आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है। तो दोस्तों इसके लिए अगर आप इस कैटेगरीज वगैरह में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले से ही ये सारे कागजात जो है वो बनवा कर रखने होंगे। सर्विस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, नंबर ऑफ ट्रांसफ़र का फॉर्मेट जो है वो ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है, आप वहाँ पर जाकर फॉर्मेट को देख सकते हैं। मैं उस फॉर्मेट को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ और आपको वहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर वही कैटेगरीज़ को बताया गया है कि कौन कौन सी कैटेगरीज़ होती हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, दोनों तरह के जो केंद्रीय विद्यालय हमने आपको बताया, सिविल या डिफेंस सेक्टर का या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और इंस्टीट्यूट हायर लर्निंग सेंटर का, उनमें कैसे कैटेगरीज़ काम करती हैं, कैसे प्रायोरिटी मिलती है, उसके बारे में यहाँ पर पूरा बताया गया है। मैं इसको अगर एक्सप्लेन करने लगूँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। उस पर ऑलरेडी वीडियो है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर वही सब दिया हुआ है जो भी मैं पहले आपको बता रहा था कि अगर सर्विस कैटेगरी में है तो उनका सारा कुछ डिटेल भी आपको भरना ही होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम में उनका ट्रांसफ़र डिटेल वगैरह सब कुछ इसी में बता रहा है। तो दोस्तों चलिए अब हम अगला देखते हैं कि और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूँ, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए और उसकी ओरिजिनल कॉपी भी होनी चाहिए, ताकि जो है एडमिशन जब होने लगे, मान लीजिए आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो एडमिशन के टाइम पर भी वो आपको दिखाना होगा। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, और उसके बाद अगर दिव्यांग की श्रेणी में आवेदन किए हैं तो हैंडीकैप का सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से बना हुआ, उसके बाद कैटेगरी सर्विस कैटेगरी में अप्लाई किए हैं तो आपको। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाया जो केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ देर के लिए अपडेट हुई थी। अभी वेबसाइट अपडेट हो रही है इसलिए अंडर मेंटेनेंस में है, तो एरर बता रहा है दोस्तों, बहुत ही जल्द एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। जिन हमारे व्यूअर्स ने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दिया है वो सब डेटा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको इंस्ट्रक्शन में दिखाया वो सेव नहीं होगा, तो आपको फिर से अप्लाई करना होगा, इस बात को आप ध्यान में रखें। दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय पे जैसे भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगी छोटी से छोटी हम तुरंत अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच।